Good morning, children. How are you? Hope you all are fine, children. Yes, na? Okay, vacations are over and we are in our regular mode of studies, isn't it? This is your EBS class, children. Please take out your EBS book. Yes. Yesterday, I had taken your live class and we discussed the important places in our community, isn't it? Yes. Today I will explain you the chapter. You all have to open page number 70. Okay, page number 70. Take out your EVS book and open page number 70. I'm giving you 10 seconds to bring your book. Go and bring your book. Hurry up. So, children, see the chapter number 14. Yes, important places. Okay, important places. Yes, yesterday we discussed about some important places which we need in our daily life, like school, like hospital, like park, like shopping malls, isn't it? Yes, they are very important in our daily life. We need things to live, we need food to eat. Our children go to school for study, isn't it? And then we need park for our exercise and for entertainment. Hospitals we need. Yes, sick people go for treatment, isn't it? So, these are important places in our society. We need bank to keep our valuables. Yes, na? We need police station to keep ourselves safe. Yes. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं चिल्ड्रन हमारी सोसाइटी में. हमने कल डिस्कस भी किया था. यस ना, तभी तो हम लोग सेफ और स्मूथ लाइफ जी सकते हैं. ठीक है, इन चीज़ों के हेल्प से. ये चीज़ें गवर्नमेंट बनाती है हमारे हेल्प के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया है. यस, और इन चीज़ों के हेल्प से हम अपनी डेली लाइफ को स्मूथ और ईजी कर पाते हैं. सोच के देखिए चिल्ड्रन, अगर स्कूल नहीं होता, अगर हॉस्पिटल नहीं होता, अगर स्कूल नहीं होता, आप क्या कहाँ पढ़ने जाते, है ना? तो आपको एजुकेशन कहाँ से मिलता, आप अच्छे इंसान कैसे बन पाते, है ना? सो स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सी, यस, देन हॉस्पिटल्स, सिक पीपल कैसे अपना ट्रीटमेंट कराते अगर हॉस्पिटल्स नहीं होते हमारे पास, है ना? तो लोग जाते हैं, सिक लोग, जो इल लोग होते हैं, बीमार जो होते हैं, वो लोग जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए. वहाँ उन्हें मेडिसिन दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है और ठीक करके घर भेजते हैं, है ना? बहुत ज़रूरी है. अगर शॉपिंग मॉल स्टोर्स नहीं होते, देखिए शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स नहीं होते तो हम अपनी डेली लाइफ का, जैसे कि वेजिटेबल्स है ना, ग्रॉसरी है, ये चीज़ें हम कहाँ से लाते, है ना? सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़न्ट इट? बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, नहीं तो हम खाते कैसे? ग्रेन्स लाते हैं हम मार्केट से खरीद के, है ना? सीरियल्स लाते हैं, फिर फूड्स, ये वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, है ना? तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं. पार्क है, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्क भी, है ना? सबको, बुज़ुर्ग लोग अपने वॉक के लिए जाते हैं, यंग पीपल्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, है ना? आदमी को अपने आप को एंटरटेन करना, हेल्दी रखना भी तो ज़रूरी है ना? सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ. ओके, फिर देखिए पुलिस स्टेशन, मैंने आपको कहा था पुलिस क्या है, उनकी वजह से हम लोग सेफ रहते हैं, है ना? वो गंदे लोगों को, जैसे चोर हो गए और भी जो क्रिमिनल्स हो गए, जो क्राइम करते हैं, उन लोगों को पुलिस जो है वो पनिश करती है और हम लोगों को प्रोटेक्टेड रखती है उन लोगों से. यस, फिर देखिए मिल्क बूथ है, अगर मिल्क बूथ ना हो तो मिल्क कहाँ से आपके घर में आएगा? सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. टेम्पल्स हैं जहाँ पर हम लोग वर्शिप के लिए जाते हैं, जो जैसे वर्शिप करते हैं वो अपने अपने प्लेसेस पे जाते हैं, है ना? So, they are very, very important in our day-to-day life. Yes, we discussed it yesterday. Yes, children. So, today I will explain you. Listen to me very, very carefully. In our neighborhood, we have places from where we get help in different ways. Yes, we live in society, isn't it, children? हम समाज में रहते हैं, कई लोग रहते हैं और सबकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं. तो ये जो चीज़ें हैं हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो हमारे हेल्प के लिए बनाए गए हैं. वो हमको डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीके से हमारी हेल्प के लिए होते हैं. यस चिल्ड्रन,
This is a school. Children, study here. As I have told you, you are also in a school and you study there, isn't it? So, ये जो है school है और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं in the school. उनको education मिलता है और वो आगे जाके अच्छे इंसान बनते हैं, है ना? और एक job करते हैं जिससे फिर वो अपने घर को चलाते हैं, है ना? So that स्कूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो कैसे उन लोगों को, कैसे वो अच्छे इंसान बन सकेंगे? कोई पढ़ लिख के सही और गलत समझता है ना चिल्ड्रन, और उसके बाद अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है. सो स्कूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, नाउ दिस इज अ हॉस्पिटल, यू कैन सी. यस चिल्ड्रन, एम्बुलेंस इज देयर, यस ना, एंड हॉस्पिटल. ओके, सो दिस इज अ हॉस्पिटल. पीपल कम हेयर वेन दे फॉल सिक. आपको बताया है पहले भी चिल्ड्रन कि जो लोग बीमार हो जाते हैं, जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, वो उनका टेक केयर करते हैं, उन्हें मेडिसिन देते हैं और उनको क्योर करते हैं, उनकी बीमारियों को दूर करके उन्हें अच्छा करके घर भेजते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ज़रूरी चीज़ है ये भी हमारे समाज में, और ये हमें गवर्नमेंट बना के देती है ना हमारे हेल्प के लिए. ठीक है, ओके चिल्ड्रन. नाउ सी, दिस इज अ मार्केट. ये क्या है? सी, दिस इज अ मार्केट वेयर स्टोर्स आर देयर, शॉप्स आर देयर. यस, है ना, मार्केट है. आपके भी आसपास में मार्केट्स होंगे जहाँ कई स्टोर्स होंगे, कई शॉप्स होंगे. यस, वी बाई थिंग्स फॉर फूड, लाइक फूड आइटम, मेडिसिन एंड क्लोथ्स फ्रॉम हियर. हम लोग क्या करते हैं? फूड आइटम्स खरीदते हैं, है ना, क्लोथ्स खरीदते हैं, मेडिसिन्स खरीदते हैं, जो भी चाहिए होता है हमें मार्केट में मिल जाता है. जो शॉप में हमें जो चीज़ चाहिए हम वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो खरीद लेते हैं अपनी आसानी के लिए. यस चिल्ड्रन, सो मार्केट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना. यस, नाउ सी, दिस इज अ पार्क. यस, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर. यस चिल्ड्रन, दिस इज अ पार्क, वी प्ले हियर विद आर फ्रेंड्स. बच्चे जो हैं वो पार्क में जाके खेलते हैं, खेलने से एक्सरसाइज भी हो जाती है और बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है ना. पढ़ाई के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए. यस चिल्ड्रन, अगर आप दिन भर सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपका माइंड थक जाएगा, और उस थकावट को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है, जैसे आप खुश हों वो काम करना पड़ता है. तो बच्चे तो खेलने में ही खुश होते हैं, यस ना, इसीलिए पार्क में जाते हैं, वहाँ खेलते हैं और अपने आप को एंटरटेन करके रिफ्रेश कर लेते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर डेली लाइफ. इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट प्लेस, है ना चिल्ड्रन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. नाउ दिस इज़ अ पुलिस स्टेशन. यस, देखा आपने, ये जो है एक पुलिस स्टेशन है ना. यस, यहाँ पे पुलिस होती है ना, और क्यों होती है? हमारे हेल्प के लिए होती है. पीपल कम हियर टू सीक हेल्प फ्रॉम द पुलिस. लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिन्हें जो भी परेशानी है वो जाके पुलिस को बताते हैं कि हमें ऐसे, मान लीजिए किसी के नेबर हैं वो उनको तंग कर रहे हैं, या किसी ने चोरी कर ली उनके घर में, है ना. तो लोग जाके वहाँ पे कंप्लेन करते हैं पुलिस के पास कि भाई हमारी ये परेशानी है, तो पुलिस जो है वो आके उस चीज़ को सॉल्व करने में लग जाती है और फिर सॉल्व करके सबकी परेशानियाँ दूर कर देती है. सो पुलिस स्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस चिल्ड्रन, ठीक है, टू कीप आवर सेल्फ सेफ. हम लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए पुलिस स्टेशन बहुत ज़रूरी है. यस ना, ठीक है. नाउ सी द मिल्क बूथ. दिस इज़ द मिल्क बूथ. वी गेट मिल्क फ्रॉम हियर. हमको यहाँ से क्या मिलता है? वी गेट मिल्क, इज़न्ट इट. हमें यहाँ से मिल्क मिलता है ना. और मिल्क से कई काम होते हैं, घर में छोटे बच्चे पीते हैं, आप लोग भी पीते होंगे. यस, चाय बनाई जाती है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कई मिठाइयाँ बनाई जाती हैं. तो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आर कम्युनिटी. यस सी, दिस इज़ अ मिल्क बूथ. ये एक मिल्क बूथ है. वी गेट मिल्क फ्रॉम हियर. वी गेट मिल्क फ्रॉम हियर. यस चिल्ड्रन, हमको यहाँ से मिल्क मिलता है. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वी डिस्कस्ड
यस, और थोड़ा सा और रह गया है चिल्ड्रेन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना सफिशियंट है। ये दो तीन जगह और रह गए इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आई थिंक इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा। ओके, तो हमारा कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, फिर हम लोग रिविजन में जाएंगे। ओके, ठीक है, सो यहाँ तक आज रहने देते हैं। आपको मैंने रीड करने बोला हुआ ये चैप्टर, होपफुली आपने रीड कर लिया होगा और आपकी ये समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ तक आपने कर लिया है, जितने भी आपको हार्ड वर्ड्स लगेंगे उन सबको आप पेंसिल से मार्क कर लो, और नेक्स्ट क्लास जब हम EVS का लेंगे उस वक्त आप मेरे से डिस्कस कर लेना वो हार्ड वर्ड्स, ठीक है। ओके, और लर्न भी कर लीजिएगा। यस, ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज़ योर होमवर्क इन EVS फॉर टुडे। ऑलराइट, ठीक है, टेक केयर चिल्ड्रन, ध्यान रखिए अपना। ये चैप्टर ओवर होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। अपनी कॉपी में ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है चिल्ड्रन, सो ओके फॉर टुडे, दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे। ऑलराइट, सो आई एम क्लोजिंग द वीडियो नाउ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।